हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अब बात करेंगे जो नेचर आइसलेट टी10 का आज के दिन का पहला मुकाबला होगा, जो खेला जाएगा चैम्पगने रीप डाइवर्स वर्सेस वैली हाइकर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के, तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, तो मैच 9:30 बजे स्टार्ट होगा। शाम को मैच खेला जाएगा विंडसोर पार्क रोसियो में। पिच रिपोर्ट की बात करूंगा, एक बैलेंस सरफेस होने वाला है बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए। एवरेज स्कोर 80 से 110 के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब तक यहाँ पर 22 मैचेस हो चुके हैं, 14 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 8 मैचेस हुआ है। इसका क्या मतलब है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को यहाँ पर क्लियर एडवांटेज रहता है। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर चैंपियंग रीप डाइवर्स की टीम की, तो इनकी टीम ने यहाँ पर लास्ट के 6 में से यहाँ पर कोई भी मुकाबला नहीं जीता है। इनकी तरफ से ओपन करेंगे जेरवन रैफेल और उनके साथ में आएंगे जेड जोसेफ। तो जेरवन रैफेल की बात करूँ तो 40 किया है और 38 रन की 2 पारी हैं, लेकिन उसके बीच में 4-0-16-6, मतलब थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे, लगातार इन्होंने अच्छा नहीं किया है। जेड जोसेफ की बात करूँ, ये ओपनिंग के साथ साथ 2 ओवर डालता है। लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर इसके नाम 3 विकेट्स हैं और बल्ले से इसने यहाँ पर 12, 29, 20, 32, 28 और 13 किए हैं। तो अच्छा प्लेयर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। माइका जोसेफ की बात करूँ तो लास्ट के 6 मैचेस में इसने भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों की है। टोटल इसके नाम 3 विकेट्स हैं और बल्ले से इसने यहाँ पर 32, 5, 13, 36 और 9 रन किए हुए हैं। आएंगे ऐसे एल्विनसन जोली, पहले में 0, फिर 5, फिर 7, फिर 8, 8 और फिर 3 रन 0 विकेट। उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जीएल में चाहो तो पिक करना, स्मॉली का सेफ पिक नहीं है। जेसन अलेक्जेंडर की बात करूँ तो सिर्फ लास्ट मैच में 3 विकेट हैं, उससे पहले के 5 मैच में विकेट लेस है, तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, मतलब लगातार इसको ना बॉलिंग भी नहीं मिलती, ये भी बात आप ध्यान में रखना। आएंगे ऐसे इस्माइल लैंडर, तो कुछ खास रिकॉर्ड इनका नहीं है, 2-5, 2-2-0, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। के हैमिल्टन के नाम लास्ट के 6 मैच में 4 विकेट्स हैं, लगातार 2 ओवर डालता है, इंपॉर्टेंट बॉलर है टीम का। एंड्रियन मैथ्यू का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मेलविन डेफोई का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। निकोलस ब्रोनो की बात करूँ तो लास्ट के 6 मैच में सिर्फ 2 विकेट हैं और इनको ना ओवर भी टोटल 6 ही मिले हैं, मतलब बहुत कम इनको बॉलिंग करवाती है टीम। ली लुईसी लास्ट के 6 मैच में 2 विकेट है, वैसे बॉलर अच्छा है लेकिन लास्ट के कुछ मैच में बॉलिंग कम मिली है, इसलिए विकेट्स थोड़े से कम मिले हैं। अभी के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, देखो जेरवन रैफेल हैं, जेड जोसेफ हैं, माइका जोसेफ हैं, जेसन अलेक्जेंडर हैं, के हैमिल्टन हैं। बेंच पे जो भी प्लेयर हैं इनमें से अगर कोई खेलता है उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे यहाँ पर ए जोली, एम जोसेफ, डेथ के ओवर डालेंगे ऐसे जेड जोसेफ, जे अलेक्जेंडर और के हैमिल्टन। अब बात करेंगे यहाँ पर जो दूसरी टीम है वैली हाइकर्स की टीम, अच्छी टीम है इनकी, लास्ट के 6 में से 4 मुकाबले जीती हैं, 2 मुकाबले हारी हैं। ओपन करेंगे ऐसे काइल केबे और यावनी रेगीस। तो देखो काइल केबे की बात करूँ तो ये ओपनिंग के साथ साथ 2 ओवर डालता है, लास्ट के 6 मैचेस में इनके नाम 7 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 6, 10, 4, 1, 3, 23 की पारी इनके नाम है। और यावनी रेगीस की बात करूँ तो 9 बैटिंग, 2, 10 नॉट आउट, 2, 1, 37 नॉट आउट किसके पारी है। लास्ट मैच में अच्छा किया था लेकिन लगातार ना विकेट कीपिंग के भी पॉइंट दे रहे हैं, तो आप टीम में रख सकते हो मेरे हिसाब से। केविन जेम्स भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, 12, 6, 62, 23, 8, 8 नॉट आउट हैं। जॉन फेबियन की बात करूँ तो लास्ट के जो 4 मैचेस हैं वहाँ पर बॉलिंग नहीं करवाई है, उससे पहले बॉलिंग करवा भी रहा था थोड़ी बहुत और तब बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, 33-22, लेकिन लास्ट के जो मैच है उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन एक ट्रम्प पिक के रूप में आप इस बंदे को रख सकते हो। काइल जेम्स पहले ओपन कर रहा था, अभी मिडल ऑर्डर में खेल रहा है, 31 और 27 की 2 अच्छी पारी हैं, उसके अलावा 8-4-0, थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है। सीब लेबलाम के नाम लास्ट के 6 मैच में 5 विकेट्स हैं और बल्ले से भी यहाँ पर 19, 18, 18 हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मर्सलिन के नाम लास्ट के 6 मैच में सिर्फ 1 विकेट है, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और जेमी जेम्स के नाम लास्ट के 6 मैच में 5 विकेट्स हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, हर मैच में 2 ओवर डालता है। क्विंटन हिलेरी का कोई खास रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। सरकिन थॉमस के नाम लास्ट के 6 मैच में 2 विकेट्स हैं, इसको भी बॉलिंग बहुत कम मिलती है। और डिलानी अलेक्जेंडर के नाम लास्ट के 6 मैच में 5 विकेट्स हैं। अभी के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, देखो
काइल कैबे इंपॉर्टेंट है, केविन जेम्स इंपॉर्टेंट है, यावनी रेगिस भी अच्छा है विकेट कीपिंग सेक्शन से, सी लेब्लांक हैं, जेमी जेम्स हैं और डी अलेक्जेंडर हैं। बेंच पर सिर्फ दो प्लेयर हैं, इनमें से अगर कोई खेलता है उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे डी अलेक्जेंडर, जेमी जेम्स, के कैबे, डेथ के ओवर डालेंगे के कैबे, डी अलेक्जेंडर और जेम मर्सलिन। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, बात कर लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम की। तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रखा है यावनी रेगिस को, और बैटिंग सेक्शन से रखा है जे राफेल, जेड जोसेफ और सी लेब्लांक को। ऑलराउंडर सेक्शन से रखा है एम जोसेफ, जे अलेक्जेंडर, के केबे और केविन जेम्स को। और बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर रखा है के हैमिल्टन, डी अलेक्जेंडर और जेमी जेम्स को। तो ये मेरे 11 प्लेयर्स फिलहाल के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। कैप्टन मेरे यहाँ पर के केबे हैं, वाइस कैप्टन एम जोसेफ हैं, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।